हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी एन ज्योति ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग मैं रात के खाने से शुरू कर रही हूँ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी या भुजिया, जो भी बोल लीजिए। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और इधर मैंने भिंडी और प्याज कट कर लिए हैं। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें तेल डालना है। तो कढ़ाई को गर्म होने देते हैं पहले अच्छे से, ताकि हमारी भिंडी कढ़ाई में चिपके ना। तो कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल को भी अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद इसमें डालूंगी राई के दाने। तो तेल भी अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें सरसों या राई के दाने डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें प्याज डाल देना है। तो अब हम इसमें अब भिंडी डाल देंगे, क्योंकि दोनों को साथ में ही फ्राई करना होगा। इसको भी ढकना नहीं है, क्योंकि ढकने से इसमें फिर चुपाहट आ जाएगी। इसको तेल लास्ट में पकाना है। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी। पहले मैं हल्दी डालती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी को भूनने के बाद हल्दी के साथ, उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। गैस को फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर देना है और उसको ढक के पकाना है। तो इधर भिंडी की सब्जी बन चुकी है और इधर मैंने तवा भी चढ़ा दिया है, मैं पराठा बनाऊंगी। सब्जी बन चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज का डिनर है पराठा और भिंडी की सब्जी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।